हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह हो गई है। सुबह नहीं, 8:30 बज चुके हैं। कल हम गए थे हडिम्बा टेम्पल, तो थक गए थे इसलिए लेट उठे। और अब कर रहे हैं हम सफाई। वो गए हैं चाय के लिए दूध लेने। चलो मम्मा और मैं सफाई करते, रजाई को फोल्ड करते हैं। क्या हुआ? मैंने उठा दी नींद से तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ बटुक, क्या हुआ? मुँह क्यों बना हुआ है? क्या गहरी नींद में सो रही थी। शाम को बोलती आधा घंटा और मम्मी। हाँ आधा घंटा और सोना था, सुबह से कहीं भी नहीं गए हम। हाँ अरे आंखें खुल गया। हाँ खुल गया आंखें। हाँ गुस्से में हो? तने गुस्सा आ रहा है? हाँ? नहीं। तने गुस्सा आ रहा है? तने चिड़चिड़ापन लग रहा है? ओ भाई क्या ही गहरी नींद थी कल रात की। जो थकान थी मत पूछो, कल तो कुछ ज्यादा ही चला दिया था पैदल। थकान थी ना, अब तो कम हुई होगी, थोड़ी सी नींद और चाहिए थी। तो अभी शाम हो चुकी है, धूप खतरनाक थी आज। तो आज संडे था तो संडे को एकदम रेस्ट किया है। तो अभी थोड़ी देर में निकलेंगे कुछ टहलने के लिए, और उससे पहले पियेंगे बीवी के हाथ की चाय, जिन्होंने सिर्फ लास्ट का एक टचअप दिया है। कहाँ जा रहे हैं? कहीं जाते हैं, आसपास की जगह देखते हैं। धूप का ज़्यादा ही सीन हो गया, धूप में जाने का मन तो बिल्कुल है नहीं। हाँ। तो एप्पल गार्डन में ही चलते हैं, छाँव रहेगी, बढ़िया रहेगी। काफ़ी अच्छा गया है। क्या काफ़ी अच्छा गया? मैंने पूछा है, बताओ मनाली में अभी तक हमें एक हफ्ता होने वाला है, तो कैसा रहा तुम्हारा मनाली का? अच्छा भी है, बोरिंग भी है। बोरिंग क्यों? अंदर ही अंदर रहते हैं ज़्यादा, इसलिए। और अच्छा? अच्छा, थोड़ा घूम रहे हैं बाहर इसलिए। हाँ? थोड़ा घूम रहे हैं ना बाहर। और अभी थोड़ा बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। कैसे? पता नहीं। क्यों? ऐसे ही। अच्छा है, बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। हाँ। बात तो ये बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है। बट क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी ये प्रॉपर वैसा वाला ठंड नहीं है जो कि मनाली में विंटर्स में होता है, इस वजह से थोड़ा धूप अजीब लग रहा होगा। तो इसका तो मेरे पास भी कोई सलूशन है नहीं, क्योंकि धूप अभी आज कुछ ज़्यादा ही खतरनाक थी, तो वो तुमको थोड़ा डिस्टर्ब कर रहा होगा। हाँ करना पता नहीं अभी। तुमको क्यों नहीं पता? तुम इतना कंफ्यूज क्यों हो रही हो? समझाओ। पता नहीं, कुछ अलवर की ज़्यादा कुछ याद आ रही है ना। अच्छा तो ऐसा बोलो ना कि अलवर से हमने। हाँ हाँ। यहाँ पे जो हमारा सफ़र होने वाला है वो 1 महीने का होने वाला है, इस जगह पे जहाँ पे हम रुके हैं। और आगे कितने लंबा सफ़र होने वाला है तो कुछ दिनों बाद आपको पता चलेगा। घूमने का काफ़ी प्लान है, बाहर निकलने का भी, लेकिन रश इतना ज़्यादा है कि गाड़ी निकालने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा है मेरा। और पैदल चलने में मेरी जो वाइफ है पीछे जीप निकाल रही है, ये थक जाती है, तो यही थकान इसको चिड़चिड़ापन ला रही है और ये इसको बोरियत फील करा रही है। सच्ची बात है ना? सच बात है कि नहीं है? सच्ही बताओ। नहीं, ऐसी बात है, ऐसी बात है, मेरे को बेवकूफ मत बनाओ। ऐसी बात है नहीं। आप उससे ज़्यादा करते हो ना मुझे। वाह वाह। और तुम? सोने भी नहीं दिया आज। वाह। सो रही थी, फोन चलाकर आवाज तेज कर मेरे कान के लगा दिया। अच्छा उससे तुम डिस्टर्ब हो गए? हाँ, आराम से। तो ऐसी कुछ बातें हैं जो आपको मैंने बताई है। तो अभी देखते हैं यार, जून में क्राउड काफी ज्यादा है, तो अभी सीसू में काफ़ी अच्छा ठंड है। अगर आप लोग भी प्लान कर रहे हो इस साइड आने का तो भाई आ जाओ और सीसू में रुको एक वीकेंड, मज़ा आ जाएगा आपको, ठंड अच्छा फील होगा। अभी रोहतांग पास खुला नहीं है प्रॉपर तरीके से, तो अभी 2-4 दिन में खुल जाएगा, तो आप आके यहाँ पे रोहतांग पास की बर्फ़ को एक्सप्लोर कर सकते हो, बर्फ़ के साथ खेल सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो।
तभी हम एक सही लोकेशन पे बैठेंगे और बनाएंगे बढ़िया बढ़िया रील। तो आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ होने नहीं वाला है, बस छोटी मोटी बातें जो आप लोगों से मैंने की है, और तो ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, आज तुमको सही में गंदा वाला बोरियत फील हो रहा है? हाँ। कितना गंदा? बहुत ज़्यादा। आज का सीन नहीं समझ में रहा, आए थे तो ये रील्स बनाने के लिए बट एकदम बोरियत फील हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा ऐसा क्यों, डकार भी आ गई इसी बीच में। कोई नहीं, आज ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे, ज़्यादा हलचल नहीं करेंगे, बॉडी को थोड़ा रेस्ट और देंगे, मेरे से ज़्यादा मैडम को रेस्ट की ज़रूरत है। तो ज़्यादा कुछ है नहीं यार आज की वीडियो में भी, ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो अच्छा रहेगा, आपको दिखेगा भी और हम भी मज़े लुत्फ़ उठा पाएंगे, मज़े क्या बोलूँ, लुत्फ़ उठा पाएंगे। तो वही सारे सीन हैं, बाकी जल्दी से मैडम जी सही हो जाए ऐसा आप बोलो, है ना। कोई नहीं, वह उदास उदास चेहरा सही हो जाएगा, ज़्यादा टेंशन ना लो, ठीक है। कब होगा? जल्द होगा, टेंशन फिर अभी एप्पल गार्डन के बीच में ना, अभी एप्पल पके होते तो सही कर देते, तोड़ के खा लेते थे, है ना, बट ऐसा नहीं हो पा रहा, ये बात भी सही है। तो ये वाली वीडियो को मेरे को लगता है आज यहीं क्लोज करना होगा, और कल कोशिश करेंगे कुछ अलग जगह को एक्सप्लोर करने की, कुछ मस्ती करते हुए की वीडियोज़ बनाने की। सो सब अपना ध्यान रखो, हम भी अपना ध्यान रख रहे हैं, और मौसम से बच के रहो क्योंकि बारिश अभी 7-8 दिन कुछ ज़्यादा ही होने वाली है नीचे साइड। तो अपना ध्यान रखो, से बाय बाय टू ऑल, ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।